अरे ओ डॉक्टर, ये मर गया क्या? इंजेक्शन में फंस गया? अरे डॉक्टर, आप बताओ। अरे ऐसा डॉक्टर लाए जो खुद बेहोश हो गया। डॉक्टर साहब हो गया। महाराज तबीयत कैसी है आपकी? कहिए महाराज आपकी तबीयत कैसी है? खड़क सिंह, और खड़क सिंह मेरे साथ और धोखा किया है। हो गया? गया। लाओ 20 लाख। मेरे 20 लाख। अरे महाराज नहीं है। अरे गए महाराज, गए महाराज, गए दिया था। ये सीधे गए। क्या कहा आपने? खत्म हो गए। चलो पहला कांटा हमारे रास्ते का हट गया। कुछ हमें हमारा जीव गर्म कर दिया। आपका क्या मतलब? अरे जो अभी बात हुई थी ना 20 लाख की। किससे हुई थी? अरे किससे हुई थी भाई? तुम डॉक्टर हो, जिंदगी देते हो या मौत? घबराओ नहीं, 20 लाख में तुम्हें अभी दूंगा। अभी राजमहल में महारानी को खबर करता हूँ कि डॉक्टर ने दवा के बदले जहर देकर मारा है महाराज को। तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। तुम लटकते हुए नजर आओगे, बाल बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। तो या तो आप पतली गली से निकल जाओ। तुम जाओगे क्या? मुझे फांसी हो जाए? मेरे बीवी बच्चे भीख मांगेंगे, दे बाबा अल्लाह के नाम पे। ऐसा ही करेंगे। यानी तुम मेरे सामने धोखा? तुमको रिहाई को धोखा देना कोई धोखा नहीं कहा जाता। तुमको रिहाई, तुम डॉक्टर हो जब तुम जिंदगी के बजाय मौत दे सकते हो। तो तुम्हारे कहने से मैंने दिया ना। तो हम कह रहे हैं कि आप अपना गला काट डालो। काटोगे? अपना नहीं, तुम्हारा काट सकता हूँ। अपना गला काटने में बड़ा दर्द होता है ना? आप ये देख रहे हो, ये पतली गली, इसी से आप जाइए और सीधे बाहर निकल जाएंगे। महारानी जी बुलाओ, मत बुलाओ, मुझे एक पैसा मत दो, मगर मेरी जिंदगी बचा लो यार। डॉक्टर मैं समझ गया तुम बहुत बड़े कमीना कुत्ता। पैसा लेने आया है? देखो लाखों को हमने ठगा है, हमको ठगने ये डॉक्टर चार सिंह वाला आया। तुम जाओ अभी महारानी के महल में और खबर करो कि महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन याद रखना, ये राज किसी को मालूम ना हो। अरे कहाँ मालूम होगा, अन्यथा तमाम सी लाशें गिरा दूंगा मैं। महारानी जी आप जरा जल्दी आ जाइए, बहुत गजब हो गया। अब महाराज इस दुनिया, अब महाराज इस दुनिया में नहीं। महाराज, हाय भगवान कैसा सितम ढाया लिया।
महारानी जी, सबर और संतोष के सिवा कुछ नहीं है। अब ये तुम्हारे महाराज नहीं है, तुम्हारे सामने एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। और फिर ये तो दुनिया की रीत है मालकिन, जो भी आता है उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है। और दुनिया की रीत है ये, सुनो मालकिन, जो भी आया यहाँ एक दिन जाएगा। बंद कर रोना धोना और महारानी जी, ना सुना दुनिया में कोई टिक पाएगा। ये दुनिया ना सुना है महारानी, और बंद कर रोना धोना महारानी जी, लाश गंगा की गोदी में दफनाइए। हो रही देर ज्यादा और न देरी करो, काम क्रिया अजय इनकी करवाइए। राजमाता आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं गंगा के किनारे महाराज की चिता रचाकर अंतिम संस्कार कर सकूं। ठीक है, ले जाइए ले जाइए। राजमहल में आगे बने रबुआ। जब कहीं तनखा दे दो हो तब कहीं महीना आया वही दो। मेरा पाम मर गया है साले बहन रो और बैठा है खराब हो जाएगी तनखा। कैसी तनखा? 3 महीने की तनखा बाकी है। देख जब यहाँ का राजा मैं बनूंगा तो सारी तुम्हारी तनख्वाह अगली और पिछली हमें सूद ब्याज के सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मछली हमें दे। ये दोनों कार्टून पता नहीं किस टाइम पैदा हो गए। अभी पैदा नहीं सोचा जहाँ से अब की आषाढ़ ले पैदा ले गए। एक बात तुम दोनों के ध्यान देकर सुन लो, ये जो महाराज है ना इनकी लाश ले जाओ और गंगा के किनारे चिता बना करके चला दो। और याद रहे सोना चांदी हीरा मोती एक भी वस्त्र बदन पर महाराज की नहीं होना चाहिए, सब उतार करके लाओ मुझे पहनाओ। तो महाराज का कफन में थी नंगे नंगे फूंक। अरे राजसी वस्त्र तो उतार लेना। अच्छा, ये बात को बस आप जल्दी करो, जाओ आराम करो, जाओ तुम जाओ मर जाओ। महाराज मेरे रमौआ रे मोरे दाप आहा।